तो हो जाएगा, लेकिन पैसा? और पता? नारियलवाड़ी। हेलो केडी, कौन? कैसे हो? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचाना नहीं? कैसे पहचानोगे, इतने बड़े लॉयर जो बन गए हो तुम। तुम मुझे नहीं पहचानोगे, लेकिन तुम्हारा दिया हुआ दर्द और निशानियां मैं कभी नहीं भूल सकती। खास करके मेरी दाई कलाई पर जो निशान है। अमीशा, चलो प्यार से ना सुन, दर्द के सारे तो मुझे पहचान लिया। देखो अमीशा, जो भी हमारे साथ हुआ मेरी वजह से, उसका दुख है मुझे। I'm sorry. तेरा विनाश शुरू हो चुका है। तेरा नाश, तेरा सर्वनाश निश्चित होगा, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वो तू कभी नहीं देख सकता। आज तू यहाँ है ना, अब यहाँ होगा। इस फकीर की बात याद रखना, तेरा विनाश निश्चित है, निश्चित है तेरा विनाश। अरे ब्रूनो, मेरा ब्रश दे दो, यू नॉटी बॉय ब्रूनो। अरे ब्रूनो, मेरा ब्रश वापस कर दे, क्यों ऐसा करता है तू? एक मिनट बिली, ब्रूनो बेटा, बिली आंटी का ब्रश लौटा दो। थैंक यू। देखा, बिली इसे प्यार से कहती तो दे देता, डांट के कहोगी तो नहीं देगा। All okay, sir? Yeah. लड़की, अरे साहब, अरे कैसे नहीं जाने दोगे? हाँ रुको, कैसे नहीं जाने दोगे? तुम क्या यहाँ के मालिक हो? हटो। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? साहब ये आदमी फुल टाइट है, ये आपसे मिलने के लिए ऊपर आ रहा था, इसलिए मैंने इस बेवड़े को पिया हो। खुशी से नहीं पिया हूँ, गम में पी लो, गम में। अगर केड़ी साहब हमारा गम दूर करेंगे ना, ये बोतल अभी दूर करूंगा। अब भी दूर कर पाऊंगा तुझे? बस बस बस, एक मिनट रुको, मैं देख लूं। जाओ। ओके सर। साहब बिरादरी से गद्दारी करता है, हम भी कभी वर्दी पहनता नहीं। शराब पी है तुमने? क्या बात, क्या है? जज्बात है साहब, जज्बात। 15 साल से कुत्ते की माफिक ईमानदारी से नौकरी किया, पर एक झटके में आउट कर दिया साहब। चोरी का इल्जाम साहब, चोरी का, और वो भी गलत। क्या पैसों की चोरी या गहनों की? नारियल की चोरी साहब। नेकचंद नाम है साहब मेरा, बोरीवली में एक 20 एकड़ की नारियल वाड़ी है तिवारी सेठ की। वॉचमैन हूं मैं साहब वहां का, 15 साल से। और 2 दिन पहले मैं वहां यावत मर सेठ, आपने मुझे बुलाया क्या? मेरे कल रात को 355 नारियल तोड़े गए थे ना? हाँ सेठ। तो आज सुबह उसमें से 12 नारियल काम है, कल ड्यूटी पे तू था ना? मैं चोरी क्यों करूंगा? इतने साल से आपके पास काम करता हूँ, कभी चोरी किया क्या? अरे तो ये 12 नारियल गए किधर? और तिवारी सेठ,
इसके घर से देखो क्या मिला, 12 नारियल। मेरे को नहीं पता सर। मैंने कोई चोरी नहीं किया, असली चोर तो ये है, ये बाबू फंसा रहा है, झूठ बोल रहा है। सेठ, इसको छोड़ूंगा, बाबर को नहीं छोड़ूंगा सेठ। पागल हो गया क्या? आम, मार उस साले को, मार, 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 छोड़ूंगा नहीं तुम सबको, इस तप्पड़ का, इस मार का ऐसा बदला लूंगा, जिंदगी भर नहीं बोलो। ओह गॉड, मेरे को लगा कि कोयटा उठाया तो बड़ा मर्डर का केस होगा, पर ये तो छोटा सा चोरी का केस है। चोरी तो चोरी होती है बिली, चाहे नारियल की हो या रुपयों की। बिल्कुल सही बोला साहब, कोई भी वकील अपना केस लेने को तैयार ही नहीं है। बोलता है 2 रुपए केस के लिए लाखों का टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे साहब। अब अपन को इंसाफ दिलाएंगे साहब। अगर तुमने चोरी नहीं की तो नारियल तुम्हारी खोली में कैसे है? साहब बाबुल वहां का दूसरा वॉचमैन, उसके साथ मेरी बनती नहीं है साहब। अभी 1 हफ्ता पहले मेरे को धमकी दिया साहब कि मेरे को बर्बाद करेगा, उसने मेरी नौकरी छीनी साहब, मेरे को बर्बाद कर दिया साहब। घर जाओ तो बीवी गाली देती है, बाहर जाओ तो दुनिया वाले गाली देते हैं। आप कुछ करो साहब मेरे लिए। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा केस लेता हूं अगर तुम शराब का सेवन छोड़ दो तो। मैं वादा करता हूं साहब, मैं आज के बाद कभी नहीं पियो उसका साहब। चल जा। अरे नहीं नहीं 10 मिनट में केस जीत जाऊंगा, बस तुम खाना गर्म करो, मैं आया। हाँ ओके, बाद में फोन करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग जसवाल साहब। अरे बात कहूँ आपसे? नहीं, क्या नट केस चूज किया है, आई मीन कोकोनट केस, एक नारियल चोर का केस। और जसवाल साहब, मेरे लिए केस छोटा या बड़ा नहीं होता, मेरे लिए सिर्फ व्यक्ति दोषी या निर्दोष होता है, और अगर कोई निर्दोष है तो उसे न्याय दिलाना मैं अपना फर्ज मानता हूँ। मैं दुआ करूंगा कि आप अपना फर्ज अच्छी तरह से निभा सके और ये केस जरूर जीते, क्योंकि वरना लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा स्टार वकील केडी पाठक नारियल चोर वाला केस हार गया है। मैं आपसे जीतना चाहता हूँ, केस जीतने की उम्मीद जरूर है, लेकिन एक छोटा मोटा केस नहीं, बड़ा वाला केस जीतूंगा। अगर हुआ नहीं आपका भी? डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, सॉरी सॉरी। पढ़िए पढ़िए, आप वो होमवर्क कीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर यू। आप प्लीज जाइए। गुड बाय, ऑल द बेस्ट। हेलो, पिछली बार मेरा फोन क्यों कट गया? मैंने काटा नहीं था, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ, मेरी किस्मत की तरह, जो तुमने बदली थी केडी, वो भी मेरे खून से। एनीवे बोलो, कुछ जरूरी काम था? अब बस करो केडी, इससे पहले कि तुम अपनी नई दलील शुरू कर दो, मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये तुम्हारी अदालत नहीं है, पर हाँ मेरी अदालत में सिर्फ एक ही गुनहगार है, और वो हो तुम, द ग्रेट मिस्टर केडी पाठक। मैं फोन रख रही हूँ, कोई आया है। पर लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। जो कहानी तुमने शुरू की वो मैं खत्म करूंगी। मिस्टर पाठक सर, आप उस पियक्कड़ नेकचंद और मरियल जैसे तुच्छे केस कब से लेने लगे हैं?
आप कौन हैं? पत्रकार हैं क्या? नहीं सर, आपका शुभचिंतक जो आपको राय देना चाहता है कि ऐसे तुच्छ मामलों में घुसना ये सब आपको शोभा नहीं देता सर। कहाँ आप नेशनल लेवल के केसेस सुलझाते हैं और कहाँ ये केस परे रख दीजिए सर। धन्यवाद आपका शुभचिंतक जी, थैंक यू वेरी मच। पहचाना नहीं? अमीशा, मेरी अदालत में सिर्फ एक ही गुनहगार है और वो हो तुम, द ग्रेट मिस्टर केडी पाठक। हम को मन की शक्ति देना। अरे वो नरेवर के मालिक का क्या नाम है यार? तिवारी, फोन लगा उसको। हाँ एक मिनट, फोन। हम को मन की शक्ति देना। मिस्टर पाठक, ये केस आप लड़ रहे हैं? जी योर ऑनर, क्यों आपको मेरी योग्यता पर संदेह हो रहा है? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। एनीवे, प्लीज प्रोसीड। धन्यवाद योर ऑनर। 13 मार्च को श्री सुरेश तिवारी की नारियलवाड़ी से एक दर्जन नारियल चुराए गए, जिसका आरोप मेरे मोकिल नेकचंद पर लगाया है। गुनाह किया है इसीलिए इल्जाम लगाया गया है, और वो साबित करने के लिए आई एम जसपाल को बुलाया गया है, तो मैं साबित करूंगा ना। प्रोसिक्यूशन तो कहेगा ही कि चोरी किए थे, और डिफेंस तो कहेगा ही कि चोरी नहीं किए थे। वही मैं कह रहा हूँ, चोरी नहीं किए थे मेरे मोकिल नेकचंद ने, बात को प्रमाणित भी करूँ। योर ऑनर, ये जो नारियल का गुच्छा है, इसकी टहनी जो है बिल्कुल सूखी हुई। सूखी है तो इसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि ये जो नारियल का गुच्छा है ये बहुत पहले काटा गया था, जिसके कारण से इसकी टहनी सूखी हुई है। और जिस चोरी का आरोप मेरे मोहक्किल पर लगाया गया है योर ऑनर, वो तो 3 दिन पहले ही की गई थी। इस अनुसार ये टहनी बिल्कुल हरी होनी चाहिए, जो कि नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि चोरी किसी और ने की। और फिर 12 नारियलों का ये गुच्छा नेकचंद जी के घर में रोपित करके उसे फंसाया। अब इससे पहले कि बात आगे बढ़े, मैं कुछ बताना चाहता हूं। इजाजत साहब, मैं सुरेश तिवारी, उस नारियलवाड़ी का मालिक। साहब मैं केडी साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं। मुझे भी यकीन हो गया कि नेकचंद ने ये चोरी नहीं की है, उसे किसी ने फंसाया है। साइलेंस इन द कोर्ट। नेकचंद, तुम जीत गए। अब कोर्ट जो हर्जाना कहे मैं भरने को तैयार हूं। अब केस तो खत्म ना, ओवर, फिनिश ना। क्या फिनिश? इतनी तैयारी करके आया था कि आज तो केस जीत के जाओ, आपकी वजह से हार गया। लेकिन क्या आपको पता है कि नेकचंद को फंसाया किसने? हाँ, वो बाबुल ने, मेरा दूसरा वॉचमैन है साहब। झूठ, मैंने कुछ नहीं किया। साइलेंस इन द कोर्ट। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कही। क्या तिवारी सेठ, अब मुझे फंसा रहे हो? बोलू तुम्हारा कच्चा चीटा अदालत के सामने? चुप। आप, ये जो तिवारी सेठ है ना, इसने नारियल के वाड़ी में कुछ सामान छुपाया है, लाखों करोड़े के गहने जरूरत। ऑर्डर ऑर्डर। आप पूछो इससे कहां से आया वो माल। मैंने कुछ नहीं छिपाया, ये पकड़ा गया तो ये बाबू है। साहब अभी जाकर वहां खोदो साहब, 13 नंबर के पेड़ के नीचे बहुत बड़ा ट्रंक है, उसके अंदर गहने हैं साहब, खजाना है खजाना। पाठक साहब, आप सही कह रहे हैं, ये केस बिल्कुल ये नारियल की तरह ही है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। बाबुल, ये बताओ तुमको कैसे पता चला इस 13 नंबर के पेड़ के नीचे खजाना है? साहब एक महीने पहले की बात है, मैं ड्यूटी पर अकेला था, खाना खाकर वापस आया और देखा आ,
बहुत शरीफ आदमी हो साहब, और मैंने ना ही पूछा उससे कुछ और ना ही वो ट्रंक को हाथ लगाया। अब आप जाकर पूछिए ना उससे। ये जो तुम वाकया बता रहे, किस दिन पे, किस दिन की बात है? साहब पिछले महीने के वो 14 तारीख को, मार्च की 14 तारीख। योर ऑनर ये कह रहे हैं कि 14 मार्च को इन्होंने वो देवर वहाँ पेड़ के नीचे गड़ा हुआ देखा था। अगर मेरी स्मरण शक्ति मुझे धोखा नहीं दे रही है तो 13 मार्च मगनलाल ज्वेलर्स के वहाँ बहुत बड़ी चोरी हुई थी। 3,60,00,000 के जेवर चुराए गए थे। वो न हो, दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध है। आप चाहें तो 14 मार्च का समाचार पत्र मंगवा कर मैं अपनी बात की पुष्टि कर सकता हूँ। आपको लगता है कि नारियलवाड़ी में ये वही चोरी के गहने? सब मेरे नारियलवाड़ी में कोई गहने, मैंने कोई गहने छुपाए नहीं सब। देखिए देखिए, इसका निर्णय अदालत को करने दीजिए। योर ऑनर, ये केस आरंभ हुआ था नारियल की चोरी से और अब इतनी बड़ी गहनों की चोरी पर आकर रुका है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे मुवक्किल को न्याय दिया जाए। ये अदालत तिवारी जी को आदेश देती है कि नेकशन जी को इज्जत के साथ नौकरी पर वापस रखे और उन पर किए गए अत्याचार के लिए लिखित माफीनामा दे और साथ ही 50,000 की रकम मुआवजे के तौर पर। 60,000। ओके सर। दिस केस इज क्लोज, लेकिन गहनों की चोरी की कार्रवाई के लिए अलग से केस चलाया जाए। मुबारक हो मिस्टर केडीपाजी, जीत का एक और तमगा। यह अदालत है मैडम, प्लीज कीप क्वाइट। उसी खामोशी का तो फायदा उठाए मिस्टर केडी पाठक ने और देश के इतने बड़े वकील बन गए मिस्टर पाठक। इनकी असलियत तो मैं जानती हूँ। देखिए मिस, आप जो कोई भी हैं। आई ऑब्जेक्ट, आई रिक्वेस्ट योर ऑनर, प्लीज बोलने दीजिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है। एक मिनट, जानते नहीं, मुझे फील हो रहा है कि कहानी में ट्विस्ट होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। प्लीज बोलने दीजिए मैडम, प्लीज बोलिए। मैं आपकी अदालत में खलल नहीं डालूंगी जज साहब, इतना तो मिस्टर पाठक से सीख ही चुकी हूँ कि कब और कहाँ बोलना चाहिए। मैं बस आपको ये देने आई हूँ। महान केडी पाठक का अतीत जो कोई नहीं जानता। केडी पाठक मेरे पति हैं। योर ऑनर, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई सी प्लीज? My God, पाठक सर, अब तो चुपके रुस्तम निकले, बाजी इतनी बनती है। देखिए मैडम, ये आपका पर्सनल मामला है। था सर, पर अब नहीं है। आइए मिसेस केडी पाठक। मिस्टर पाठक, क्या आपकी वाइफ है? मिस्टर पाठक, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या आपकी वाइफ है? बोलो केडी, तुम चुप क्यों हो? बोलो कि तुम मुझे नहीं जानते। बोलो मैं अभी ढोंगी हूँ। बोलो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अरे अब वहां पे क्यों रखी है भाभी जी? वेलकम टू अदालत, आइए ना। प्लीज शांत रहिए। योर ऑनर, इस समय इस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, केवल इतना कहूंगा
की अदालत में इस बाधा के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सब वो औरत आपकी छोड़ना वरुण, ये सारी बातें मैं संभाल लूंगा। तो एक काम कर, वो मेहता एंड मेहता कंपनी का जो लिटिगेशन चल रहा था उसकी फाइल निकाल, जरा देखनी है मुझे। केडी, वो कौन है? इतने सालों बाद अचानक, व्हाट्स ऑल दिस? कुछ नहीं है बिली, बच्चों वाली बात है बस। हेलो हेलो मिस्टर पाठक, क्या ये सच है कि आपकी शादी हो चुकी है? हमें मिस्टर जायसवाल ने पूरी बात बताई। क्या है आपकी मिसेज का नाम? क्या वो भी आपकी तरह वकील है? कहाँ बनी ये जोड़ी? बोलो केडी, तुम चुप क्यों हो? बोलो कि तुम मुझे नहीं जानते। बोलो मैं अभी ढोंगी हूँ। बोलो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरी अदालत में सिर्फ एक ही गुनहगार है और वो हो तुम, द ग्रेट मिस्टर केडी पाठक। जो कहानी तुमने शुरू की वो मैं खत्म करूंगी। साहब, केडी पाठक साहब शादीशुदा थे, आपको पता था? यार काम करना अपना। और कितना खोदना बाकी है इसको? साहब यहीं पर वो लोहे का बॉक्स था जिसमें खजाना था। अरुण, इसको लेके जाना यार। ना ना ब्रो, देखा देखा साहब, मैंने कहा था ना कुछ नहीं मिलेगा। ये बाबू जो मुझे जबरदस्ती मेरे साथ खुन्नस निकाल रहा है, निकालूंगा तो मैं तुझे इस नौकरी से। चल दफा यहां से। तिवारी जी, शांति शांति शांति। ब्रूनो, क्यों भौंक रहा है? वहां कोई नहीं, चल। हमको मन की शांति देना और केडी साहब को हमसे भी ज्यादा। गुड इवनिंग सर, कैन आई कम इन? जसवाल साहब आप यहाँ इतनी रात गए, क्या हुआ? विचित्र संजोग हुआ है आज। एक ही समय में, एक ही क्षण में आपका दुर्भाग्य और मेरा सौभाग्य दोनों साथ में हो। तो ये अवसर, सुहाना अवसर मैं छोड़ना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं आपके एक्सप्रेशन देखूं और आप मेरे। समझा तो ये लेटर है सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स। ये क्या है समझाता हूँ, ये है कोर्ट का समन्स आपके अगेंस्ट। किसने भेजा है? भाभी जी ने भेजा है। अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, माई सेल्फ आई एम जयसवाल, लॉयर टू मिसेस अमीषा पाठक। कैसा केस? वो लंबी लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट है। इतनी लंबी लिस्ट है कि उसे सॉल्व करते करते आप लंबे हो जाएंगे और आपकी लंबी करियर अब छोटी हो जाएगी। और ये छोटा सा लॉयर आई एम जयसवाल, लेकिन सर आई प्रॉमिस इन माय सक्सेस स्टोरी मैं आपको पूरी क्रेडिट दूंगा। आई थिंक यू नीड माय बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट सर। पाठक, आप अपनी पैरवी खुद करेंगे? जी योर ऑनर, ये समीक्षा ने आप पर बहुत संगीन आरोप लगाए और जिसकी शुरुआत वो खुद करेंगी। भाभी जी बोल।
ये आदमी जिसे आप लोग सत्यवादी केड़ी पाठक के नाम से जानते हैं, मैं इसे 17 साल से जानती हूँ। हम एक साथ लॉ कॉलेज में पढ़े, हमारी दोस्ती हुई और हमें प्यार हुआ। लेकिन मेरी फैमिली इस रिश्ते से खुश नहीं थी और इसीलिए हमने छुपकर मंदिर में शादी कर ली 11 अक्टूबर 2000 में। ये शादी का कोई गवाह है? गवाह भी है योर ऑनर और सबूत भी। योर ऑनर, ये श्री केडी पाठक जी और अमीषा जी की शादी का मैरिज सर्टिफिकेट दिए है और ये सबूत एक है, गवाह दो है, पंडित जी जिन्होंने इनकी शादी करवाई और दूसरी है इनकी कॉमन फ्रेंड सुलक्षणा जी जिन्होंने बतौर विटनेस साइन किया था वहां पे। योर ऑनर, पहले पंडित जी को बुलो। इजाजत। हाँ जज साहब, मैंने ही इन दोनों का विवाह मंदिर में करवाया था 11 अक्टूबर सन 2000। हमारे मंदिर के वही खाते में लिखित अंकित और उस पर इन्होंने हस्ताक्षर भी किए हुए हैं। जी, मैं और मेरे हस्बैंड अरविंद दोनों मौजूद थे शादी के दौरान। केड़ी, तुम्हें याद कैसे नहीं है? तुमने ही तो सारी प्लानिंग्स की थी ना कि किस तरह मैं अमीषा को उसके घर से भगा कर लेके जाऊंगी। भगा कर? अरे फिल्म नहीं थे आप? चुप क्यों है? बोलिए। योर ऑनर, ये सब जो चल रहा है अदालत में, ये मेरे समझ के परे है। बहुत ही हास्यमय बातें चल रही है। ये तो बात का संकोच हो रहा है कि के कारण आपको कष्ट दिया जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि आप किस प्रकार से अपना धैर्य बांधे हुए बैठे हो। जो भी हो, योर ऑनर, अमीषा ने मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है। मैं उनसे एक बार पूछना चाहूँगा कि क्या उन्होंने कभी ये सब घर पर निजी स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया, नहीं किया? सवाल हमारी शादी का नहीं, उसके बाद का भी है। मैं दुनिया को तुम्हारी असलियत बताना चाहती हूँ। मैं भी मौका कैसे छोड़ दूंगा? अभी अभी आपने जो कहा उससे ये साबित होता है कि आपने शादी तो की थी अमीषा जी के साथ। मैं तुम्हारा केस लेता हूं अगर तुम शराब का सेवन छोड़ दो। केड़ी सर से वादा किया कि कभी दारू नहीं पीऊंगा, अपने लिए नहीं, केड़ी सर के लिए। तो नहीं नहीं पीना कैंसिल। बाबुल, ये कमी ना मुझे फोन क्यों कर रहा है? हेलो, नेक चल के बच्चे, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई, तू तो बच गया लेकिन मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट होल्ड कर। सर धमकी देता है, अभी इसकी आवाज रिकॉर्ड करके पुलिस को देता हूं। हाँ बोल। छोड़ूंगा नहीं तुझे, अब मैं बदला तुझसे नहीं तेरे परिवार से लूंगा। एक फैमिली की बात करता है, एक फैमिली की बात मत कर। मुझसे पंगा लिया था ना, अब देख आज रात ही उन लोगों को खत्म कर डालूंगा। रुक, ठहर। इसका तो गेम मैं बचाता हूँ। हाँ नहीं कहा आपने, लेकिन ना भी नहीं कहा पाठक साहब, यू हैव नॉट डिनाइड। जसवाल साहब, अब मुझे विश्वास है कि अमीषा जी के पास मुझ पर थोपने के लिए और भी आरोप होंगे। एक बार सुन लूं विस्तार में सब कुछ, फिर बोलूंगा। फिर डोंट माइंड। नाभी जी, हाँ, और मैं चुप नहीं रहने वाली, ना तुम्हारे डर से ना तुम्हारी धमकियों से। सर, शादी के बाद हमने ग्रेजुएशन की और फिर दिल्ली चले गए नौकरी ढूंढने के लिए, और वहाँ पे हमने एक घर रेंट पे लिया और तब उस छत के नीचे मैंने केड़ी का असली हैवानी रूप देखा। केड़ी, गुड न्यूज़, अब मुझे नौकरी मिल गई, अब हमारे मुश्किल दिन खत्म। केडी, ये क्या किया? क्या साबित करना चाहती हो तुम कि केडी पाठक इतना निकम्मा है कि उसे नौकरी नहीं मिल सकती, तुम्हें मिल सकती है? तुम जानती हो ना मैंने इस फॉर्म में अप्लाई किया था,
मेरी जगह तुम्हें नौकरी दिए। केडी, नौकरी तुम्हें मिले या मुझे मिले, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये नौकरी तो हमारे लिए कर रही हूँ ना मैं। हमारे लिए कुछ करना है तो जॉब को मना कर दो, मैं नाने का पानी गर्म करूँ। आपको नौकरी से? लेकिन भाभी जी झूठ क्यों बोलेंगी? सची जी, योर ऑनर, ये सत्य है कि उस लॉ फर्म ने वो नौकरी मुझे नहीं दी थी, वो नौकरी उन्होंने अमीषा को दी। लेकिन 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 क्या केडी, बोलो। आपको नौकरी से? लेकिन भाभी जी झूठ क्यों बोलेंगी? सची जी, योर ऑनर, ये सत्य है कि उस लॉ फर्म ने वो नौकरी मुझे नहीं दी थी, वो नौकरी उन्होंने अमीषा को दी। लेकिन 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 क्या केडी, बोलो। शांत हो जाइए भाभी जी, मैं समझता हूँ बहुत टॉर्चर हो गए हैं आपने, बहुत सहा है आपने, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं हूँ, आप आगे बताएं क्या हुआ। लेकिन मैंने वो नौकरी को ना कर दिया, पर उससे मेरी मुसीबत कम नहीं हुई। केडी को जगह जगह नाकामियां मिलती और वो फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालता, छोटी छोटी बात पर। क्या समझते हैं आप अपने आप को? मैं थूकता हूँ आपकी नौकरी पर, आप देखना एक दिन इस दुनिया का सबसे बड़ा वकील बनकर बताऊंगा। इतनी काली चाय है तो मैं चाय बनाने भी नहीं आती। Useless woman, जाओ दूसरी बना के लाओ। और फिर एक दिन केडी ने मुझसे अजीब सी मांग की। मैंने सोच लिया है, मैं लंदन जाऊंगा आगे पढ़ने, लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसा करने से झट से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन फीस तो ज्यादा होगा ना केडी? हाँ, महंगा तो है, 20 लाख रुपए खर्चा होंगे। अपने डैड को बोलो पैसे भेजे। नहीं, मैं अपने पापा से पैसे नहीं मांगूंगी। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, अपने डैड को फोन करो और बोलो मुझे पैसे भेजे। ऑर्डर ऑर्डर। इन जख्मों की कीमत केडी ने मेरे पापा से ली, 20 लाख रुपए मांगे और वो लेकर लंदन चला गया पढ़ाई करने। 20 लाख? मेरे ससुर ने अगर मुझे दिए होते तो मैं भी लंदन जाता। संजय, 20 लाख आपको दिए थे पढ़ाई करने के लिए लंदन? तालियां मत, जवाब दीजिए हाँ या ना, 20 लाख दिए थे नहीं दिए थे? जी दिए थे। मेरे परिवार को धमकी देता है, आज तो तेरा सर फोड़ के ही रहूंगा और कल तेरी रिकॉर्डिंग पुलिस में देकर तुझे ही अंदर करवा देता हूँ। बाबुल के बच्चे मुझे धमकी देता है, हैं? बहुत तंग किया तूने। बाबुल के बच्चे बाहर आ जा। बाबुल, पाठक साहब मानते हैं कि इन्होंने 20 लाख रुपए दिए थे जिसके बलबूते पे वे लंदन गए और लॉयर बन के आए और आज यहाँ पे 100% ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन किसकी वजह से? इनके पैसों की वजह से। देखिए जसवाल साहब, पूरी कहानी तो आप जानते हैं। सर मानी चाहिए आपको पाठक साहब, योर ऑनर, 20 लाख रुपए भाभी जी से लिए और फिर लंदन गए और फिर उन पर इतने जुल्म, मतलब ऑन व्हाट बेसिस इनकी कामयाबी है? सर मानी चाहिए आपको, 20 लाख लिए तो फिर क्या किया इन्होंने और बताइए जी। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि केडी का बिहेवियर उसकी नाकामयाबी की वजह से हो रहा है। मुझे लगा वो लंदन से लौटकर
पहले जैसा केडी बन जाएगा, लेकिन वो मेरी गलत फहमी थी। 2 साल बाद केडी आया, पर वो घर नहीं आया। उसने मुझे बाहर बुलाया मिलने। तुम लंदन से कब लौट कर आए और या अचानक यहाँ क्यों बुला लिया? तुम घर क्यों नहीं आए? कौन सा घर है मिशा? किसका घर? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ये बताने के लिए कि अब मैं वो केडी पाठक नहीं रहा। मुझे बहुत बड़े लॉयर फर्म में नौकरी मिल गई। अब मैं ये शादीवादी की बेड़ियाँ अपने पाँव में नहीं पहनना चाहता। तुम ये क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रही हो। तुम इस देश का सबसे बड़ा लॉयर बनना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए जगह ही नहीं बची। ये लो कागज, साइन करो इसमें। ये क्या है? केडी, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। तुम मेरी लाइफ बर्बाद करके तुम्हारी लाइफ मेरी जिंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा मत करो केडी, मैं अपनी जान दे दूंगी। केडी प्लीज। और शायद इसीलिए उसके बाद आपने वो किया जो कलाई दिखाई है अपनी। योर ऑनर, कलाई काट कर अपनी जान देने की कोशिश की, आत्महत्या करने की कोशिश की, मजबूर होकर ये किया है इन्होंने। अब जी बताइए, ये कब हुआ ये सब? दिसंबर 2003 की बात है। सर्वोदय हॉस्पिटल में मैं थी और पुलिस ने मेरा स्टेटमेंट भी लिया था। करेक्ट योर ऑनर, स्टेटमेंट है मेरे पास, बतौर सबूत मैं पेश करना चाहता हूँ। ये स्टेटमेंट है और ये सुसाइड नोट भी है योर ऑनर, जो अमिशा जी ने लिखी थी। की कार्रवाई नहीं हुई? केडी ने अपने ताकत के बूते उस केस को दबा दिया। चुप क्यों हो केडी? बताओ ना सबको, बताओ कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी जान लेनी चाहिए। हाँ मिशा, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी आत्महत्या के पीछे कारण मैं ही था। मिस्टर पार्कर, ये आप क्या कह रहे हैं? सही और ऑनर जो ये सुनना चाहते हैं। लेकिन मिस मिसेज अमिशा, जो भी हैं, जब ये हादसा 10-12 सालों पहले हुआ, तो आप इतने दिनों तो खामोश ही हो रही। क्योंकि मेरी माँ को मैंने वचन दिया था, अगर मैं केडी के खिलाफ केस करती तो मेरी माँ को डर था कि वो मुझे शायद परेशान करेगा, इसीलिए मैंने कोई केस नहीं किया। लेकिन पिछले महीने मेरी माँ के देहांत के बाद मुझे किसी का डर नहीं है। और फिर आपने पाठक साहब से आपका बदला लेने का सोचा, आपका हक मांगा। पाठक साहब, धोखाधड़ी, जालसाजी, अत्याचार, मेंटल फिजिकल टॉर्चर, ये सारी धाराएं लागू है आप पर। योर ऑनर, क्या देखते हैं पाठक साहब क्या हैं? मिस्टर पाठक, आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप पर जो संगीन आरोप लगाए गए हैं उनके साबित होने पर अंजाम क्या हो सकता है। यू विल बी इन बिग ट्रबल ना? तेरा विनाश शुरू हो चुका है। आज तू यहाँ है ना, अब यहाँ होगा। इस फकीर की बात याद रखना, तेरा विनाश निश्चित है, निश्चित है तेरा विनाश। मैं समझता हूँ इस बात को। अपनी सफाई में आप कुछ कहना चाहेंगे? योर ऑनर, अमिशा का मुझ पर लगाया हुआ हर आरोप सही है। मिस्टर पाठक, आपको पता है इससे आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है, आपका करियर, आपका रेपुटेशन सब खत्म, खेल हो सकती है आपको। योर ऑनर, अगर अमिशा मुझे दोषी मानती है, आई एक्सेप्ट, आई एम गिल्टी एज चार्ज्ड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.